कि हिमाचल जैसे एरिया में एग्रीकल्चर करना एक टफ वर्क है, इसमें नो डाउट। तो हम लोगों ने ये जो इरिगेशन की स्कीम्स हैं इसमें ये एक ड्रिप सिस्टम्स का आया हुआ है, उससे काफ़ी इसको कल्टीवेट करने में हमें हेल्प की। काफ़ी लाख, दो दो लाख रुपये तो हम लोग इसका टमाटर्स का ही कमा लेते हैं लगभग। मेरा नाम संजीव पठानिया है। टोटल हमारी यहाँ जो लैंड है वो 300 कनाल ज़मीन है। हमारी फैमिली तीन फैमिलीज़ हैं वहाँ पे। हम लोग सारे तीनों फैमिलीज एग्रीकल्चर करती हैं यहाँ पे। ये हिमाचल जैसे एरिया में एग्रीकल्चर करना एक टफ़ वर्क है, इसमें नो डाउट। मगर अगर ये एक बात हम लोग कुछ सालों से ये भी देख रहे थे कि जैसे कि कुछ साल तो ऐसा रहा कि ये हमारा एरिया टोटल ही अनकल्टीवेट रहा, उसमें लैंड्स बेकार हो रही थी, उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था उस चीज़ का। और इसके लिए इरिगेशन की भी स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर्ड की हुई है वो आ रही है यहाँ पे। ये जो जैन इरिगेशन स्कीम है ये पताजी है, यहाँ पे चोड़ू है, वहाँ की स्कीम है। यहाँ पे बीच बीच में ये लोग यहाँ पे पानी छोड़ते हैं, हमें इरिगेशन के लिए देते हैं ताकि हमने जो फसलें लगाई हैं वो ख़राब ना हो जाए। जो पहले जैसे जैसे वाटर्स की हमें नीड दिखाई दे रही थी तो हमें लग रहा था कि पानी ज़्यादा यूटिलाइज़ हो रहा है, तो जैसे खेतों में पूरा देना पॉसिबल नहीं थी। तो हम लोगों ने ये जो इरिगेशन की स्कीम्स हैं इसमें ये एक ड्रिप सिस्टम्स का आया हुआ है ये स्कीम, इसमें सब्सिडी भी है, तो इसमें हमें भी काफ़ी बेनिफिट्स वगैरह हुए हैं इसको ड्रिप सिस्टम्स को। तो ये पानी जैसे आता है हमारा चोड़ू से आता है, तो वहाँ पर सारी अंडरग्राउंड पाइप्स लगाई हुई हैं इन्होंने। फिर वहाँ आगे एक चैम्बर है, चैम्बर से पानी खेतों के, जैसे कि कुछ एरिया एक एक चैम्बर्स ने कंप्लीट किया हुआ है, यहाँ हार्डली कोई 20 चैम्बर्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक हम लोगों ने यहाँ पे इसको न्यू टेक्नोलॉजी जो है उसको अडॉप्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस भी है और पेड़ वगैरह, मतलब कि सब्जियाँ वगैरह भी लगाई हुई हैं। इस टाइम हमारे यहाँ जो लगा हुआ है वो करेला है, डानी है, फिर घिया है, फिर भिंडी है, टमाटर भी लगे हुए हैं, काकड़ी है। ये चीज़ें सारी अभी खेती बाड़ी में लगी हुई हैं। नेचुरली है इसकी सेल्स आपको इस टाइम काफ़ी अच्छी हो गई। अगर ठीक सीज़न और वाटर मिलता रहेगा तो काफ़ी लाख, दो दो लाख रुपये तो हम लोग इसका टमाटर्स का ही कमा लेते हैं लगभग। तो ड्रिप सिस्टम मेरे हिसाब से बेटर है ताकि हमारा वाटर जो है सेफ भी रहेगा और उससे फ़ायदा भी रहेगा। ड्रिप सिस्टम ठीक रहता है, बेटर रहता है उस चीज़ का।